हेलो टीम सन आर्मी, वेलकम बैक। कैसे आप सभी लोग, आई होप सभी के सभी मजेदार ऑसम कूल मजेदार होंगे। तो गाइज यार देखो, बहुत दिनों के बाद एक बेस लेआउट वाली वीडियो निकल करके आ चुकी है हमारे चैनल के ऊपर। एंड गाइज अभी देखो यार, फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करें, बट उससे पहले आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब मारो यार, क्योंकि अभी देखो यार सब्सक्राइब करने वाली जनता बहुत ज़्यादा ही कम है, और यार ना सब्सक्राइब करके देखने वाली जनता ज़्यादा है। तो यार जल्दी से यार इन सबको इक्वल करो यार। एंड इसी बात पर यार यहाँ पर इस बेस को हम लोगों ने बनाया है, क्योंकि अभी सुबह सुबह हम लोगों को एक बंदे का एक यानी कि चैट आया था इंस्टाग्राम पे, उसने डीएम किया था मेरे को कि भाई यार कुछ नया बनाओ बेस में। तो हम लोगों ने सोचा कि ये बनाते हैं, एंड उसने बोला भी था, तो ठीक है। तो यार पहले तो यार भाई को बहुत बहुत थैंक यू, एंड यार आप लोग को भी थैंक यू, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसकी लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी, एंड कमेंट में भी पिन है। बट रुको जरा सा भाई, वीडियो को तो एंड तक देख लो। एंड गाइस इसको बनाने में यार हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ लगभग मेरे को इसे 25 मिनट लगा है बनाने में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की तो बात नहीं है मेरे भाई। एंड यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सिक्वेंस से बिल्डिंग रखी गई है, एंड यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी मज़ेदार बेस है, यानी कि एकदम बराबर तरीके से सब कुछ रखा गया है। जिधर आर्मी कैंप होना चाहिए आर्मी कैंप है, जिधर यानी कि जो कुछ भी होना चाहिए एकदम बराबर भाई लाइन से, एंड एकदम इक्वल गैप भी बीच में छूटा हुआ है। एंड गाइस गजब का बेस देखने में लगता है, आप लोगों को कैसे लगा बट आप लोग कमेंट करके मेरे को बताना, एंड कुछ और नए आइडियाज़ दो कि क्या क्या हम लोग को और बनाना चाहिए बेस के ऊपर, क्योंकि उससे पहले भी मैंने बहुत कुछ बनाया है बेस के अंदर, अभी आप लोग को और भी दिखाना कुछ बाकी है, तो वो आने वाली वीडियोज़ में दिखाएंगे। एंड क्लैन गेम वाली वीडियो भी रिकॉर्ड हो चुकी है, एडिट भी हो चुकी है, बट अभी वो आप लोग को कल देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है, कि क्लैन गेम में क्या आने वाला है। बट लास्ट ईयर में अभी मैं बता दूं कि लास्ट टीयर जो होता है उसके अंदर आप लोग को बुक ऑफ स्पेल्स या बुक ऑफ फाइटिंग देखने के लिए मिलने वाली है। एंड गाइज ये टाउन हॉल 13 की मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट अटैक स्ट्रेटजी है, जिसे आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स एकदम ईजी ट्रिपल जाएगा, 14 पे भी आराम से ट्रिपल ले सकते हो, ठीक है। एंड मैं तो भाई देखो यार हमेशा यही स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, एंड मेरे क्लैन में जो यहाँ पर 15-16 आईडी दिख रही है वो मेरी है पूरी की पूरी, क्योंकि अभी हम लोग और भी किसी प्लेयर को खिलाने वाले हैं नहीं। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो टी बोन्स टाइटन्स वाला क्लैन ज्वाइन करो, लेवल 10 का 639 में। तो फिलहाल अभी मेरी ही 15 की 15 आईडी रहेंगी, वहाँ भी मेरी 15-20 आईडी हैं लगभग टी बोन्स टाइटन्स वाले क्लैन में, एंड 12 एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो यार ये जो है स्ट्रेटजी गजब की स्ट्रेटजी है, मतलब टाउन हॉल 13 पे यूज़ करो चाहे 14 पे यूज़ करो, गजब एकदम यानी मज़ेदार परफॉर्मेंस देगी, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है और कुछ नहीं। एकदम भाई आराम से थोड़ा सा फनल बनाओ, स्पैम करो एंड क्लोन करो। पहले देखो टाउन हॉल के ऊपर ही आपको ब्लिंप नहीं तोड़ना है, थोड़ा सा पहले तोड़ना है, मतलब थोड़ा सा कि मतलब क्लोन हो बलून्स तो टाउन हॉल तक भी जाएँ, ठीक है, क्योंकि अगर पूरे के पूरे क्लोन बलून अगर टाउन हॉल के ही एरिया में आ गए तो चले जाएंगे। हो सके तो ट्राई करना कि एक ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी के साथ ही यूज़ करो, बट सेंटर में ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है, बट चलो ठीक है। आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा, एंड आज की वीडियो लगेगी मज़ेदार। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।